So, dear friends, now we are going to discuss about pillars of human development. Human development के कुछ कोर्स होते हैं, कुछ pillars हैं, जैसे चार pillars हैं, equity, sustainability, productivity and empowerment. ये चारों points ऐसे हैं जो depends करते हैं human development. ठीक है, ये मानव विकास के चार ऐसे कोर हैं जिनके ऊपर development टिका हुआ है. जैसे किसी भी कोई भी चीज़ है उसके चार फैक्टर होते हैं कि इनके बेस पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक, तो ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के चार ऐसे फैक्टर हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट. तो अब हम इनके ऊपर बात करते हैं कि इक्विटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एम्पावरमेंट क्या होती है. ठीक, इक्विटी का मतलब होता है समानता. ठीक है, अगर हम चलो गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लागू करती है और वो समान सारी चीज़ें एक जैसा व्यवहार करती है सभी के साथ, तो वो इक्विटी है. अगर मान लो कोई भी पॉलिसी अगर लागू हुई और किसी के लिए वो अलग मैटर करती है, किसी के लिए वो अलग मैटर करती है, तो उससे डेवलपमेंट इक्वली नहीं हो पाएगा. तो जब तक इक्विटी नहीं आएगी, समानता नहीं आएगी, सबको समान चीज़ें नहीं मिलेंगी, समान राइट्स नहीं मिलेंगे, इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, तो डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता. ठीक, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, स्थिरता. अगर मान लो कोई भी इंसान अगर मान लो डेवलपमेंट करना चाहता है, किसी काम के ऊपर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, जब तक उसकी स्थिरता नहीं होगी उसमें, ठीक है, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे. आज आपने ये काम किया, उसको छोड़ कल वो काम किया, उसको छोड़ के तीसरे दिन वो काम किया, फिर कोई और काम, फिर कोई और काम, तो ऐसे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते. डेवलपमेंट के लिए आपको एकाग्रता करनी होगी, एक सस्टेनेबिलिटी दिखानी होगी, किसी एक ही काम के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, जब आप उसका उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ है प्रोडक्टिविटी. देखिए, प्रोडक्टिविटी जो एक गोल है वो डेवलपमेंट का सबसे अहम रोल निभाता है. उसमें कैसे, किसी भी चीज़ का उत्पादन जब हम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें रिसोर्सेज भी आते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी भी लगती है, उसमें लेबर भी लगती है, उसमें कैपिटल भी लगती है. ठीक है, तब जाके कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, जब जाके हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट करते हैं. और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, इसको हिंदी बोलते हैं उत्पादकता. और जब तक उत्पादन सही नहीं है किसी भी चीज़ का, या उसमें प्रोग्रेस नहीं है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते. जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन वो प्रोडक्शन अगर आपने अकॉर्डिंग टू लेबर, अकॉर्डिंग टू इनकम, अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू लैंड, इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, आपकी उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है. आपने 10 लाख लगा के कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन किया, अगर उसमें आपको लॉस होता है तो वो आपका डेवलपमेंट में नहीं आएगा. फोर्थ आपका जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट का मतलब होता है हिंदी में सशक्तिकरण. ठीक है, सशक्तिकरण का अगर आज हम कहीं पर भी अगर मान लो इसकी अगर कहीं पे भी बात करते हैं, तो सीधा सा सीधा इसका कहीं पे माइंड जाता है, तो वो जाता है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर. ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर ही जाता है. लेकिन अगर हम वुमन एम्पावरमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना डेवलपमेंट भी करते हैं. ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि उनको समान राइट्स मिले, उनको भी जो एक मेल के लिए है वही फीमेल के लिए भी हो. ठीक है, वो सारी चीज़ें एम्पावरमेंट में आपकी आती हैं. दिस इज़ द मेन फोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. और इन्हीं के बीच में, इन्हीं पोल के ऊपर सारा का सारा डेवलपमेंट हो सकता है.